discussion about error. Recording in progress. और क्या होता है एरर, मतलब डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू. ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया है. आंसर आ गया सबका? नहीं. क्या है क्वेश्चन? आपको बोला गया है कि एक फिजिकल क्वांटिटी है, दैट इज एक्स इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए रेस टू 1/2 3/2 इंटू बी रेस टू 7/3 डिवाइड बाय 9 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ सी रेस टू -3/2 डी रेस टू -1/4 एंड ए बी सी डी में एरर दिया है 1, 2, 3, 4 यानी ए में 1%, बी में 2%, सी में 3% एंड डी में 4%. ठीक है, तो सिंपल रूल है, क्या करना पड़ेगा, अगर परसेंटेज एरर गिवन है डायरेक्टली तो वहाँ पे हमें अगर मल्टीप्लिकेशन है तो एरर की एडिशन करनी है, डिवीजन है तो भी एरर की, एंड अगर पावर अदर देन वन है तो एरर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यानी यहाँ पे ए में एरर 1% है, इसकी पावर कितनी है 3/2, ये 2 का क्या करे, ये कांस्टेंट है, दोनों मध्य कभी से एरर येत नहीं. ठीक है, तो उसको छोड़ना पड़ेगा, तो ये आंसर बनेगा 3/2 इंटू 1 प्लस 7/3 इंटू 2. अब डिवीजन है तो माइनस करूँ या प्लस करूँ, रूट है मतलब पावर कितनी होती है हाफ, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, सी रेस टू -3/2 इंटू डी रेस टू -1/4 इसकी पावर बनेगी हाफ यानी 1/2. अब पावर की पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो सी बनेगा -3/4 एंड डी बनेगा -1/8. अब इनके एरर को पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, सी में एरर 3 है, ये माइनस है तो भी हमें प्लस ही लेना है, तो 3 × 3/4 वेरी गुड 9/4. ठीक है, देन डी में एरर 4% है तो 4 × 1/8 नहीं कड़ा लो, 4 × 1/8 म्हणजे 4/8, 4/8 म्हणजे 1/2. ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, 3/2 मतलब 1.5, 7 × 2 14, 14/3 मतलब 4.67, ये तो ना डिवीजन, वेरी गुड. ठीक है, देन 9/4 मतलब एंड ये 0.5, नाउ ऐड देम, 1.5 प्लस 0.5 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 4 8 प्लस 67 प्लस 25 92. हो ना का म्हणू, कॅल्क्युलेट करा, क्या किती लोकांचं आलं होतं आन्सर, आलंच नाही अजून. दिस विल बी द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी. ओके, म्हणजे परसेंटेज एरर आपको अगर डायरेक्टली गिवन आहे तर मग विषयच नाही, एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सोप असतं. ठीक आहे, बट अगर परसेंटेज एरर डायरेक्टली गिवन नाही आहे अँड सिर्फ आपको रीडिंग्स दी आहे तो उसके साथ कैसे डील करना है उसका डिस्कशन हमने कल शुरू किया था. तो यस्टरडे वी हैव स्टार्टेड डिस्कशन अबाउट ओनली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में वहाँ पे हमने देखा था कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी में अगर एडिशन है तो नॉर्मल जो मीन वैल्यू है उसकी, एक्चुअल वैल्यू, उसकी तो एडिशन ही होगी, साथ में जो एरर होता है, मतलब क्या होता है, डेल्टा की वैल्यू होती है यानी एब्सोल्यूट एरर होता है, उसका भी डायरेक्ट एडिशन करना पड़ेगा. ठीक है, सब्ट्रैक्शन है तो क्या होगा, एक्चुअल वैल्यू या फिर मीन वैल्यू है उसकी सब्ट्रैक्शन होगी, लेकिन जो एरर वाला पार्ट है उसकी एडिशन होगी. क्लियर है? ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कल हमें ये कंडीशंस मिली थी, जेड इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड डेल्टा जेड इज इक्वल्स टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. कब? अगर क्वांटिटीज आर गिवन इन टर्म्स ऑफ ए इक्वल्स टू ए प्लस माइनस डेल ए एंड बी इक्वल्स टू बी प्लस माइनस डेल बी. म्हणजे आपल्याला प्रत्येक वेळी फिजिक्समध्येच नाही, कुठेही गेले जेव्हा केव्हा आपण रीडिंग घेणार, रीडिंग ॲक्च्युअल में इसी फॉर्मेट में होती है. तो अगर हमें जो रिजल्टेंट क्वांटिटी दी है उसमें अगर झेड इक्वल्स टू ए प्लस बी करना है, मतलब उनकी क्या करनी है, एडिशन करनी है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे डायरेक्ट जो एक्चुअल वैल्यू है, मतलब झेड इक्वल्स टू ए प्लस बी, ये एज इट इज़ फॉलो करेंगे, एंड अगर वहाँ पे एरर है तो एरर की भी क्या करेंगे, एडिशन करेंगे. जैसे अभी एग्जांपल हमने सॉल्व किया, अगर रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज है तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है आर एस इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू.
और आपको बोला है कि R1 की मेजर्ड वैल्यू 100 प्लस माइनस 0.2 ओहम है एंड R2 इक्वल्स टू 200 प्लस और माइनस 0.4 ओहम है, तो उस केस में ये RS कितना होगा। तो अकॉर्डिंग टू रूल हमें क्या करना है, बस R1 प्लस R2 एज इट इज़ करना है, मतलब ये 200 प्लस 100 बनेगा 300, प्लस माइनस जो भी एरर आ रहा है उनकी क्या करनी है, हर बार एडिशन ही करनी, तो 0.4 प्लस 0.2 मतलब ये बनेगा 0.6 ओहम हो गया। लेकिन अगर कहीं पे हमें बोला है कि बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर जो है वो था 75 प्लस और माइनस 0.8 डिग्री सेल्सियस एंड उसके बाद में बॉडी को कूल किया तो उसका टेम्परेचर हो गया 20 प्लस और माइनस 0.4 डिग्री सेल्सियस या फिर 0.8 डिग्री सेल्सियस, तो उस केस में उसका रिजल्टेंट या फिर राइज इन या फिर डिक्रीज इन टेम्परेचर कितना होगा ये पूछा गया है। तो क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज इन टेम्परेचर के लिए थीटा वन माइनस थीटा टू करना पड़ेगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये 75 माइनस 20 कितना होगा, 55। कहाँ से, अगर यहाँ पे कंडीशन है सेम रीडिंग है एंड जेड इक्वल्स टू ए माइनस बी करना है तो उस केस में डायरेक्टली इनकी सब्ट्रैक्शन होती है, आ गया 55। एंड व्हाट अबाउट एरर, ये अगेन हमें प्लस करना पड़ेगा। बगा इतना जर माइनस केला असता अपन तो 0.8 जीरो हो जाता, मतलब अपन एरर का भी कैलकुलेट ही नहीं कर पाते, इसलिए यहाँ पे हमें हर बार ऐड करना पड़ता है, तो ये बनेगा 1.6 डिग्री सेल्सियस। हर बार एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अगर दी है तो उसमें हमें यही प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड अगर पूछा गया है कि इस एडिशन में या फिर इस सब्ट्रैक्शन में परसेंटेज एरर कितना होगा, तो वन बाय वन हम क्या करेंगे, पहले इस यहाँ तक सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, फाइनल आंसर जो आ रहा है अगेन वहाँ पे रिलेटिव एरर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डेल्टा अपॉन एक्चुअल इनटू 100 वैल्यू, तो यहाँ पे ये बनेगा 0.6 डिवाइडेड बाय 300 इनटू 100, कैंसिल 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 कैंसिल, कितना आ रहा है फिर ये 0.2%। उसी तरह से यहाँ पे अगर चाहिए तो क्या बनेगा, 1.6 अपॉन 55 इनटू 100, ये आएगा 1.8, तो करो 1.8 इनटू 1.6 3.1 या फिर 3.1%। मी कहीं पर लिहून टाकता हूँ, होना का मन जो विना कारण ऐक्चुअल कैलक्युलेशन क्रॉस चेक कर, 3.2.88 होता कभी कभी 2.8%, ठीक है। चलो तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एक्चुअल में क्या करना है ये हमें मालूम है, लेकिन क्यों करना है उसके लिए एक बेसिक प्रोसेस है, उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर लेते हैं कि आपको अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज दी है और दोनों फिजिकल क्वांटिटीज में किया जा रहा है मल्टीप्लिकेशन, मतलब फिर से रीडिंग उसी तरह से होगी कि ए की मेजर्ड वैल्यू होगी ए बार प्लस माइनस डेल ए एंड बी की होगी बी बार प्लस माइनस डेल बी, ओके। हे तर कळालं ना, आता अशा फॉर्मॅटमध्ये काय लिहितोय आपण, नाही कळालं का बरं, क्योंकि हर एक रीडिंग में कंपलसरी एरर आता ही है, तो वो एरर कितना होता है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, ये हमें पहले से मालूम होता है और वो हम यहाँ पे हर बार रीडिंग के साथ में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से एक्चुअल एग्जैक्ट वैल्यू किस रेंज में होगी इसका हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर पाते, क्लियर है। तो अभी हमें बोला गया है कि दो क्वांटिटी का हमें करना है मल्टीप्लिकेशन, यानी जेड इक्वल्स टू क्या बनेगा, ए इंटू बी बनेगा, असं कुठं असतं, फॉर एग्जाम्पल पोटेंशियल एनर्जी, वहाँ पे हम क्या करते हैं एम जी एच करते हैं, यहाँ पे तीन है, बस मैंने सिंप्लीफिकेशन के लिए दो क्वांटिटी ली है, तो हमें यहाँ पे ऊपर इनकी वैल्यू अगर पुट करनी है तो ये जेड इक्वल्स टू क्या बनेगा, ए बार प्लस माइनस डेल ए इंटू, सांगा पटपट, तो बस तो मट्ठा सारखे, ठीक है। तो जेड को भी हम सेम फॉर्मेट में लिख सकते हैं, है ना, जेड की वैल्यू प्लस माइनस डेल जेड, क्योंकि ये रिजल्टेंट वैल्यू प्लस उसमें एरर आएगा, कर लगा, इज इक्वल्स टू, अभी क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लीकेशन सिंप्लीफाई करना है, तो ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी, कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है, ए इंटू ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी, यांना कसं मल्टीप्लाय करतात, ए इंटू सी प्लस ए इंटू डी प्लस बी इंटू सी प्लस बी इंटू डी, हे माहिती आहे का, तेच इथं अप्लाय करायचं, तो क्या होगा देखो, सांगा पटपट,
very good. हो म्हणू नका, चेक करा खरंच असं येतं का. स्वतःच्या बुद्धीला पटत असेल तर हो म्हणा, नाही तर सरांनी लिहिलं आहे बरोबरच असेल असं काही करू नका. टाईम कुठून येईल त्याच्यामध्ये? टू टाईम्स आलं, मग एक टाईम यायला पाहिजे होतं का? स्कूल कुठली होती? करुणा स्कूल. करेक्ट है कि मल्टीप्लिकेशन देवेश? क्या किया हमने? इसी तरह से पहले ए बार को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, तो ए बी है ए बी, ए डेल्टा बी, ए डेल्टा बी, प्लस फिर डेल्टा ए से बी तक, बी को बी डेल्टा ए, देन डेल्टा ए डेल्टा बी. इतपर्यंत क्लियर है? अभी हमें मालूम है कि जेड एंड ए बी सेम है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एल एच एस जो है, एल एच एस म्हणजे इकडची, ठीक है, उसको जेड से एंड आर एच एस म्हणजे उसको ए बी से डिवाइड करेंगे. तो इसको अगर जेड से हमने डिवाइड किया, जेड मतलब ये जेड, और ये ए बी मतलब क्या होगा, ए बार बी बार, ऐसे. तो इसको अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, जेड बार अपॉन जेड बार. कळतंय का तुम्हाला? उत्तर द्या बेटा, नाही तर माझा कॉन्फिडन्स कमी व्हायला लागला. आता हे काय डोक्याच्यावरतून चाललं आहे काय तुमच्यावर? हे कळतंय का? सिंपल, फक्त ॲडिशन आणि एक दोन स्टेपमध्ये मल्टिप्लिकेशन करतो आहे आपण, ठीक आहे. आता डिवाईड केलं तर काय होईल, कॅन्सल होऊन काय राहील, फक्त वन, और ये क्या बचेगा, कळलं, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम किसको डिवाइड कर रहे हैं, तो ए बी अपॉन ए बी प्लस और माइनस ए डेल्टा बी अपॉन ए बी नहीं कळत आहे, ठीक है, मी करून देतो, नहीं कळाल तर परत आपण स्टेप बाय स्टेप बघू, ठीक है. यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा ए अपॉन एंड प्लस माइनस, ये क्या होगा, डेल ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी. स्टेप बाय स्टेप बघून घ्या व्यवस्थित, खूप मोठं डिव्हिजन केलं आहे मी इथं. संभाजी इकडं कळालं का? हो म्हणू नका विनाकारण, मग मी क्रॉस क्वेश्चन केल्यानंतर मग म्हणतात नाही सर ते कळालंच नव्हतं. ये डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी के नाही, याला आपण ए बीने डिवाइड केलं, मग डेल्टा एच्या खाली ए लिहिला, डेल्टा बीच्या खाली बी लिहिला. क्लियर? इकडं तेजस, श्रवण, ऐश्वर्या, वैष्णवी, देव, क्लियर? येस, नो, ओके, सगळं क्लियर इथपर्यंत. बट आता याच्यामध्ये होतं काय, ये जो सनी बडबड न करू, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी, ये वाली जो टर्म है ये एक्सट्रीमली स्मॉल आती है. कैसे एक्सट्रीमली स्मॉल आएगी, देखो अब तक जो हमने एग्जांपल दिए आपको मालूम है हम क्या लिखते थे, 20 प्लस और माइनस 0.4, तो 0.4 मतलब डेल्टा अपॉन 20 है ना, तो 0.4 अपॉन 20 ये लील, ट्राई करा. वा रे, फोन येतो 50 म्हणणारा, 0.02 का, 0.002, हाँ बोर्डर करो आपण, ठीक आहे. आपको बोला है कि डेल्टा ए कितना है, 0.4 है, एंड ए कितना है 20, तो 0.4 अपॉन 20 करना है आपको. तर आपण काय करू, थोड्या वेळासाठी याला 40/20 करू. 40/20 किया मतलब डेसिमल दो डिजिट से शिफ्ट किया, तो ये कितना बनेगा, 0.02. अब ये डेल्टा बी अपॉन बी को भी ऐसी वैल्यू दी आपको, बोला है कि डेल्टा बी कितना है 0.2 है, एंड बी कितना है ये 50 है, कितना आएगा पटकन, 0.02 × 0.04, अरे कसे तुम्ही, करोनाची कृपा आहे तुमच्यावर फक्त, बस सांगा बाळांनो. श्रवण बोल, 0.02 × 0.04, चल तेजस आन्सर बोल, 0.04 × 0.02,
कॅल्क्युलेशन्स करा तोपर्यंत, मी आलो एक मिनिट. -4 मतलब क्या होगा, 0.0008 कळलं आता, 8 0.8 वेरी गुड. इकडचे सगळे आंसर्स करेक्ट आहे. तो ये जो नंबर बनता है कौन सा, डेल ए बाय ए इंटू डेल्टा बी बाय बी, ये एक्सट्रीमली स्मॉल होता है की ज्याला आपण प्रॅक्टिकली कुठल्याच कॅल्क्युलेशनमध्ये कन्सिडर करू शकत नाही. दॅट्स वाय इट इज निग्लेक्टेड. ये हम हर बार क्या करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं. अब इसको निग्लेक्ट किया, इधर वन है इधर वन है, होतो का कैंसल असा, बघा बरं दोन मिनिट मी करतो आहे म्हणून हो म्हणू नका. कन्फर्म? बऱ्याच जणांना डाऊट आला आहे पण आता कुठं ऑब्जेक्शन घेत आहे की नाही नंतर विचारू. तो वन वन या पे कॅन्सल हो गया, तो आन्सर क्या आ रहा है या पे, वेरी गुड. यहाँ पे प्लस माइनस होता है लेकिन हमें मैक्सिमम परमिसिबल एरर चाहिए, दैट्स वाई हम यहाँ पे माइनस कंसीडर नहीं करते, प्लस करते. ये बन गई कंडीशन. कर लो काय कर लो, मल्टीप्लिकेशन है दो फिजिकल क्वांटिटीज में, तो उसमें अगर आपको वैल्यू इस फॉर्म में दी है तो उसमें अगर परमिसिबल मैक्सिमम परमिसिबल एरर कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, रिलेटिव एरर की ॲडिशन. फक्त ॲडिशन नाही, किसकी ॲडिशन, रिलेटिव एरर की ॲडिशन. वाटते तुम्हाला कळालेलं, एवढं सोपं नाही कळण्यासारखं, त्यामुळे व्यवस्थित बघून घ्या. जे कळालं तेच नोटबुकमध्ये लिहा, नाही कळालं परत बोर्डवर समजावून घ्या आणि परत लिहा. चलो हो गया, इधर ऑल क्लिअर सबको, यशवंत श्रवण तेजस बाकीचे मेंबर्स मीटिंग जॉईन करके सो गए शायद. क्लियर? सिम्बॉल कुठला श्रवण, प्लस मायनस, ये डेल्टा म्हणता याला. हे असा ट्रँगल असला किंवा हा डेल्टा असला, दोघांना पण आपण डेल्टा किंवा डेल असं म्हणतो. थोडं जास्त छोटा असेल तर हा, अजून जास्त छोटा असेल तर हा असं यूज करतो, आणि यांच्यापेक्षा थोडा मोठा असेल तर त्याला आपण डी यूज करतो. टी सारखं काहीच नाही ना बेटा बोर्डवर, असं काय करतो, वन आहे ते वन, टी नाही आहे ते. हो गया क्लिअर? चल तो फायनल कन्क्लुजन क्या मिला हमें, काय काय या दोघांच्या मल्टिप्लिकेशन नंतरच्या क्वांटिटीला आपण झेड म्हणतोय. हे बघा, झेड असेल तर ए बी आणि झेड बार असेल तर ए बार डॉट बी बार, असं एक्सप्लेन करत होतो मी तेव्हा झोपला होतो. नाही बघायचं, ही पोटेन्शियल एनर्जी इक्वल टू एम जी एच आहे, तू म्हणतो एम जी एचला पोटेन्शियल एनर्जी कसं काय लिहिलं, काय सांगू तुला आता, पोटेन्शियल एनर्जी म्हणजेच एम जी एच आहे, तर एम जी एच म्हणजेच पोटेन्शियल एनर्जी. कळलं का नाही, तुझा डाऊट काय होता तोच नाही कळायला तुला अजून. चलो तो यहाँ पे हमें बस क्या मालूम हो गया, ये रखते हैं, बाकी सब पार्ट हम यहाँ पे रब करेंगे. कि अगर आपको
दो फिजिकल क्वांटिटी है और उनकी मेजर्ड वैल्यू दी है, ए इक्वल्स टू ए बार प्लस माइनस डेल्टा ए, बी इक्वल्स टू बी बार प्लस माइनस डेल्टा बी, और दोनों फिजिकल क्वांटिटी का अगर मल्टीप्लिकेशन करके हमें तीसरी फिजिकल क्वांटिटी मिलती है, डिराइव्ड क्वांटिटी मिलती है, जैसे कि जेड इक्वल्स टू ए इंटू बी है, तो उस प्रोसेस में हमें करना क्या है, ये जो एक्चुअल मेजर्ड वैल्यू होगी ए एंड बी, इनका डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करना है, एंड प्लस माइनस जो एरर आएगा उसको फाइंड करने के लिए यहाँ पे एडिशन भी नहीं होगी, सब्ट्रैक्शन भी नहीं होगी, उसको फाइंड करने के लिए हमें ये स्टेप यूज़ करनी पड़ेगी। डेल्टा जेड बाई जेड ये रिलेटिव एरर होगा इन द मेजरमेंट ऑफ फाइनल फिजिकल क्वांटिटी जो मल्टीप्लिकेशन के बाद में आ रही है, ठीक है। आता हे सोपं होऊन कळण्यासाठी आपण एक एक्झाम्पल घेऊ। फॉर एग्जाम्पल आपको डेंसिटी इक्वल्स टू मास इंटू वॉल्यूम ऐसी एक फिजिकल क्वांटिटी दी है, समझौन गया पहले, और बोला है कि मास की जो मेजरमेंट है वो इस तरह से है 10 प्लस और माइनस 0.4 kg, और वॉल्यूम की जो मेजरमेंट है वो आपको दी है 2 प्लस और माइनस 0.1 मीटर का क्यूब, और हमें रिलेटिव एरर चाहिए इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। क्या चाहिए? रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। तो कंडीशन क्या है, पहले जो एक्चुअल रीडिंग है उनका कर लेंगे मल्टीप्लिकेशन, 10 इंटू टू ये बनेगा 20 प्लस और माइनस। अब इसका जो एरर आएगा मतलब प्लस और माइनस के बाद RHS में जो पार्ट आएगा उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बगा ये डेल्टा जेड बाई जेड एज इट इज रहेगा, डेल्टा ए कितना है यहाँ पे, तो ये बनेगा 0.4 अपॉन 10 प्लस डेल्टा बी कितना है अपॉन बनेगा, कर लो इतपर्यंत, और हमें चाहिए सिर्फ डेल्टा जेड, तो फाइनली डेल्टा जेड इक्वल्स टू क्या करना होगा, आता 0.4 अपॉन 10 म्हणजे 0.1 अपॉन 2 म्हणजे, कळलं सगळ्यांना, इंटू झेड। अब झेड क्या है, ए बी मतलब 20, तो इनकी एडिशन कितनी आती है, वेरी गुड, 0.09 इंटू 20, एक मिनट हाँ, ये थोड़ा सा मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम है, एंड ये डेंसिटी में दिया है आपको ज़्यादा, और हमें क्या निकालना है, ये वॉल्यूम में है मीटर क्यूब, और हमें निकालना है मास, करा 20 प्लस और माइनस कितना आ रहा है 1.8, कर लगा, वाटलं होतं कळालं पण काही ताळमेळ लागत नाही आहे ना। चला नेक्स्ट, एफ इक्वल्स टू एम इंटू ए, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सलरेशन, ये फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला है, ठीक है, और आपको बोला है कि मास की जो मेजरमेंट है वो है 10 प्लस और माइनस 0.2 kg, एंड एक्सेलरेशन के लिए आपको वैल्यू दी है मेजर्ड वैल्यू 20 प्लस और माइनस 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आपको कैलकुलेट करना है फोर्स कितना होगा। म्हणूनच असे क्वेश्चन जास्त एग्जाममध्ये येत नाही, गडबड करू नका, पहिले प्रोसेस ऐकून घ्या, आन्सर करेक्ट आलं पाहिजे। इकडे बघा, मल्टीप्लिकेशन है मतलब हमें क्या करना करना पड़ेगा, पहले एफ इक्वल्स टू डायरेक्ट एम ए लिखना पड़ेगा, एंड अकॉर्डिंग टू रिलेशन डेल्टा एफ अपॉन एफ इज इक्वल्स टू डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा ए अपॉन ए, हे रिलेशन मिळेल, जो था ना डेल्टा झेड बाय झेड इक्वल्स टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी, फक्त हे झेड ए बी प्रत्येक वेळी बदलणार आहेत, नाहीतर तिकडं झेड होतं नाही तर डायरेक्ट फोर्स कसं घेतलं, कल्याणी
ऐसा विचारू ना, ठीक है। और हमें डेल्टा एफ चाहिए, तो डेल्टा एफ इक्वल्स के लिए फॉर्मूला बनेगा डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू एफ। आता यांचे वैल्यू पुट करून डेल्टा एफ काढायचे, काय येईल डेल्टा एम बाय एम 0.2 अपॉन 10 प्लस डेल्टा ए बाय ए इंटू 200 करा। आता वेरी गुड श्रवण, करेक्ट है। हाँ काय फोर फक्त फोर का पॉइंट फोर मी म्हटलं म्हणून चेंज करत जाऊ नको बरं तो आन्सर क्या होगा। 0.2 अपॉन 10 मतलब 0.02, 0.4 अपॉन 20 है मतलब 0.04 अपॉन 2 है मतलब इंटू 200। अब 0.02 प्लस 0.02 हे आलं का पण सगळ्यांचं नक्की, इथपर्यंत आलं आहे। डिव्हिजन होती बरं का तिथे, एवढी सोपी नसते ती। हे कसं केलं 0.4 अपॉन 20 कन्फ्युजन होत असेल तर डायरेक्ट काय करा, या 0.4 40 लिहून टाका 40/20 और 0.4 को 40 लिख रहे मतलब डेसिमल 2 से शिफ्ट हो रहा है -2 होगा तो ये बनेगा 2 इंटू 10 की पावर -2 मतलब 0.02। ते येत नाही तुला, हे सांगतो इथे आई काही सांगत असतो आपला। हाँ इनकी ॲडिशन करू कितना हो गया 0.04 इंटू 200 करना है तो कितना होगा 8। यस सर, पहिले तर 0.04 चालू होतं आणि मी म्हटलं 0.04 हो तेच म्हणे। कितना आ गया ये क्या ये, तो फाइनल आंसर क्या होगा। कळलं करू राव नाही नाही यशवंत परत बघ एकदा तेजस करेक्ट आहे श्रवण व्हेरी गुड सबसे पहले आंसर है। चलो हो गया, तो ये था मल्टीप्लिकेशन के लिए, सेम पार्ट रिपीट करेंगे फॉर डिवीजन। अब डिवीजन के लिए क्या होगा, देखो फिर से पूरी प्रोसेस सेम रहेगी, कोई सी भी दो फिजिकल क्वांटिटी लेनी पड़ेगी और उनकी रीडिंग आएगी ए इक्वल्स टू ए बार प्लस माइनस डेल्टा ए, देन बी इक्वल्स टू आएगा बी बार प्लस माइनस डेल्टा बी। आता हे कळालं एवढंच कळालं है कि नहीं आतापर्यंत। अभी क्या करना है हमें, डिवीजन है दो फिजिकल क्वांटिटीज में, तो ये जेड इक्वल्स टू क्या बनेगा, ठीक है तो ये जेड को अपन क्या लिखते हैं जेड बार प्लस माइनस डेल्टा जेड। अब ए मतलब कौन है, प्लस माइनस डिवाइडेड बाय प्लस माइनस, कळलं सगळ्यांना, डायरेक्ट डिविजन केलं आहे अपन, कळाल ना ए अँड बीचं यांच्या व्हॅल्यू वर होत्या। अभी क्या होगा, सिम्प्लिफिकेशन के लिए हम न्यूमरेटर में से ए एंड डिनोमिनेटर में से बी इनको कॉमन लेंगे, कॉमन लेके बाहर लिख रहे हैं, ये मल्टीप्लिकेशन तसच है। आता कॉमन घेतलं म्हणजे काल सांगितलं मी काय करतो, अपन डिवाइड करतो, तो ब्रैकेट में क्या होगा ये बघा काय केलं ते लिहू नका, पहिले बघा समजून घ्या। ए कॉमन लिया मतलब यहाँ पे ए बाय ए वन एंड ए डेल्टा ए बाय ए है, डिनोमिनेटर में से बी कॉमन लिया तो यहाँ पे बी बाय बी वन डेल्टा बी बाय बी वैसे ही है, पढ़ लो। बट ए बाय बी को ही अपन जेड बोल रहे तो कट कर सकते हैं, यस नो काय करू शकतो कि नहीं, ठीक है अजून नेक्स्ट स्टेप मध्ये
इक्वल टू, ये ए बाई बी को अपन जेड बार ऐसे बोल सकते कि नहीं, डेल्टा ए बाय ए डेल्टा बी बाय बी, तो ये जेड जेड अच्छा क्या घर नियम एक आप लेते, ये तो एडिशन है, ये तो मल्टीप्लीकेशन है, कैंसल होगा क्या कैंसल, ये तो क्या करना पड़ेगा कैंसिल करने के लिए, दोनों साइड से ये जेड से दोनों साइड को जेड से डिवाइड करो, क्या बचेगा यहाँ पे वन और यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा बस वन प्लस माइनस डेल ए बाय ए डिवाइड बाय वन प्लस माइनस कर लगे नहीं, कैंसल तो कैंसल करून टाका, आमचा काहीच अपोज नाही त्याला, तुम्ही काय करशाल त्याला फुल सपोर्ट। अभी क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर में लेके आएंगे, आणू शकतो का सर, मॅथमॅटिक्स इज द लँग्वेज ऑफ फिजिक्स बेटा, मॅथ्स फक्त बनवलाच एका पर्पजसाठी आहे की फिजिक्स स्टडी करायला सोपं व्हावं म्हणून, विषय संपला, मॅथमॅटिक्स इज नॉट द ब्रँच ऑफ सायन्स, तर डायरेक्ट सरांना मॅथ समजावून सांगू नका सर तो डायरेक्ट असे म्हटले म्हणून, नाहीच आहे सायन्सची ब्रँच नाहीच, कळालं ना, हे फक्त बनवलेलं टूल आहे फिजिक्स स्टडी करण्यासाठी, कळलं, तर स्टेथोस्कोप असतो, स्टेथोस्कोप म्हणजे डॉक्टर आहे का, डॉक्टरचं ते एक टूल आहे, कळलं ना, मॅथमॅटिक्स फिजिक्सचं एक टूल आहे, चला ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में लेके आना है, तो लेके आ सकते हैं क्या, कैसे, अरे ये प्लस वन है ना इसकी पावर, ऊपर आएगा तो क्या बनेगा, ये तो ये बनेगा वन प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी इसकी पावर माइनस वन, ये कहते ना जस वन बाय टेन अल अपन का करो वन अपॉन टेन रेस टू वन एंड न्यूमरेटर में आने के बाद बस माइनस वन करते हैं, तो अपन इथपर्यंत बघून घ्या बरं एकदा, सोपा पार्ट आहे एकदम, चलो तेजस श्रवण क्लियर आहे या तक, आधी इथपर्यंत का बघून घ्या म्हटलं मी एकदा, नाही नाही आता खास सुरू होणार आहे ना ते एक्झाम्पल, इथपर्यंत प्रॉब्लेम नको तुम्ही लिहून घेता येईल घेतलं ना बघून घ्या म्हटल्यानंतर, हेच चुकलं आहे तुमचं आयुष्यामध्ये, तुमचे गणित जर कुठे चुकले असतील तर ती इथंच बोर्डर लिहून झालं समजून घ्या म्हणतं का, आपल्याला छापायचं पडतं पहिले, आणि लिहिण्याची जी मेथड आहे त्यासाठी का बनवलं त्यासाठी एक प्रोसेस असते, जे आपल्याला समजलं आहे जे आपण बोर्डर बघितलेलं आहे ते ब्रेनमध्ये थोड्या वेळासाठी स्टोअर असतं, तर आपण ते व्हिज्युलाईज करत करत मग जर लिहिलं तर ते पूर्ण बॉडीमधून फ्लो होतं आणि आपल्याला विसरत नाही त्याला, जर डायरेक्ट आपण इनपुटचं आउटपुट दिलं डोळ्यांनी बघायचं ना आता लिहायचं ते ब्रेनला जातच नाही, इकडचं इकडचं कार्यक्रम होतो त्याचं आउटपुट येत नाही, असं नसतं ब्रेन थ्रूच होतं बट ब्रेन लक्ष देत नाही त्याच्यामध्ये, चलो हो गया यहाँ तक, अब यहाँ पे हम एक छोटी सी मैथमेटिकल कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल थ्योरम, क्या होता बायनोमियल थ्योरम माहिती आहे कोणाला, झालं आहे का मॅथ्स मध्ये, गुड, चलो ये करू राव, ठीक है, तो बायनोमियल थ्योरम में होता क्या है, देखो अगर आपको 1 प्लस डेल एक्स रेस टू एन इस फॉर्मेट में अगर टर्म दिए एंड यहां पे प्लस के बाद में जो आ रहा है नंबर वो अगर ये पहले नंबर से बहुत ज्यादा छोटा है तो हम इसका सिंप्लीफिकेशन डायरेक्ट 1 प्लस एन इंटू डेल्टा एक्स ऐसे करते, ये पावरचा विषय एका स्टेपमध्ये संपतो, कब ॲप्लिकेबल है अगर ये प्लस के बाद में जो टर्म आ रही है ये पहले टर्म से बहुत ज़्यादा छोटी या फिर 1 से बहुत ज़्यादा छोटी है तो, ठीक है, तो सेम कंडीशन यहाँ पे डेल्टा बी बाय बी अपन बघितलं आहे 0.004 0.002 इस रेंज में आती है, मतलब एक्सट्रीमली स्मॉल है, तो ये प्लस माइनस को अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा, प्लस माइनस विल बिकम माइनस प्लस, तो क्या होगा ये बायनोमियल करूँ कट आता, वन प्लस डेल्टा झेड बाय झेड इक्वल्स टू वन प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए इंटू
वन माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ये काली कड़ा लगा, बस वो पावर माइनस थी उससे मल्टीप्लाई किया, तो प्लस होगा माइनस बनेगा, माइनस होगा माइनस इंटू माइनस प्लस बनेगा, इसलिए प्लस माइनस रिप्लेस बाय माइनस प्लस है। आता काय करा लागेल पुढं, अगेन वही है ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी, म्हणजे मल्टीप्लिकेशन करो फिर, तो ये बनेगा वन प्लस डेल्टा झेड बाय झेड इक्वल्स टू, हाँ वन नी ब्रैकेटला मल्टीप्लाय करा, काय येईल वन इंटू वन, वन प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी, परत काय येईल प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए, आणि हे मायनस प्लस डेल ए बाय ए इंटू डेल्टा बी बाय बी, कळलं? बट ये नंबर फिर से एक्स्ट्रीमली, तो इट कॅन बी, आता हा वन कॅन्सल करू शकतो का? हां करू शकतो, ॲडिशन आहे ना दोन्हीकडं पण, तर वन वन कट, क्या बचा फिर, स्वतःवर विश्वासच नाही आहे, होता पण फिजिक्स आल्यापासून उडाला आहे की नाही, तो ये बनेगा फिर से प्लस माइनस होगा माइनस प्लस होगा, लेकिन हमें रिक्वायर्ड होता है मैक्सिमम परमिसिबल एरर, दैट्स वाई ये प्लस लेना पड़ेगा डेल्टा बी बाय बी, यानी जो केस मल्टीप्लिकेशन में थी वही केस डिविजन में है, त्यामुळे आपण प्रत्येक वेळी परसेंटेज एरर डिविजन होगा तो भी उसको ऐड करते, ओके थोड़ा ओके है कि नहीं, दिवस भर धून दे आज। तो कंडीशन क्या है, देखो आपको अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज गिवन है इस फॉर्म में, ए इक्वल्स टू ए बार डेल ए एंड बी इक्वल्स टू बी बार प्लस माइनस डेल्टा बी, एंड इनकी जो रिजल्टेंट क्वांटिटी है उसमें अगर डिवीजन दिया है ए बाय बी, तो हमें करना क्या पड़ता है, डायरेक्टली ए बाय बी को ए बाय बी रखेंगे, एंड जब हमें डेल्टा जेड रिक्वायर्ड है तो उसको कैलकुलेट करने के लिए फिर से डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी इंटू जेड करना, कळलं? चल करू आप, हे झालं ना अगोदर, छापायचं मध्ये मागे राहत नाही। क्वेश्चन दिया है आपको, मेजर्ड मास है 20 प्लस माइनस 0.8 kg एंड मेजर्ड वैल्यू में वॉल्यूम है 30 प्लस माइनस 0.2 मीटर क्यूब, तो डेंसिटी कितनी होगी विथ परमिसिबल रिलेटिव एरर या फिर परमिसिबल एरर? ही एक स्टेप है, हो गया। क्या करना होगा, पहले डेंसिटी इक्वल्स टू होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास बाय वॉल्यूम करेंगे 20 बाय 30 मतलब 2 बाय 3 मतलब 0.667, ये हो गया। एंड हमें डेल्टा रो चाहिए, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा एम बाय एम प्लस डेल्टा वी बाय वी इंटू रो, एवढंच महत्त्वाचं होतं आपलं, ठीक आहे, आलं कसं, त्यासाठी थोडीशी मॅथमॅटिकल प्रोसेस बघितली आपण। तो डेल्टा रो इक्वल्स टू क्या होगा, डेल्टा एम बाय एम है मतलब
0.8/20 प्लस डेल्टा वी बाई वी ए मतलब 0.2/30 इंटू डेंसिटी कितनी आ रही है 0.66। करो सिंप्लीफिकेशन इसका। आता डिवीजन व्यवस्थित करा मल्टीप्लिकेशन पर। श्रवण वेरी गुड। चला काय करता है बाकी इकडे आंसर चालेत। पहिले 0.8/20 कितना होगा मी सांगितले सिंप्लीफाय करा त्याला 80/20 लिया 10^10 कितनी होगी -2 प्लस ये 20/30 कर दो 20/30 इंटू कितना होगा फिर से -2 इंटू कितना ये 0.66 इसको एज इट इज रखो। अब ये 80/20 आ गया इसका मतलब कितना होगा 4 × 10^-2 मतलब 0.04 प्लस 20/30 कितना आता है अगेन 0.6 × 10^-2 मतलब 0.06 इंटू 0.66 इनके एडिशन करो कितना आता है इंटू मल्टीप्लिकेशन करो करावं लागेल हे असं घाबरू नका मल्टीप्लिकेशनला। कुठंच अलाउड नसतं काय JEE मध्ये का सबसे पहले इसको 46 लिखेंगे इसको 66 लिखेंगे यहाँ पे 10^-3 यहाँ पे 10^-2 तो ये बनेगा 10^-5। आता ये 46 × 66 करा क्या होगा 3036 तो ये कितना आ रहा है 0.03036 एवढी गरज नहीं आपल्याला है ना ये 0.03 है यहाँ तक भी सफिशियंट है तो फाइनल आंसर होगा 0.66 ± 0.03 kg/m³ का क्यूब। श्रवण आप करेक्ट है तेजस करेक्ट है वेरी गुड। हेलो तो आज के लेक्चर में बस अपन ने दो ही कंडीशन देखी है एक मल्टीप्लिकेशन की एक डिवीजन की ठीक है ना करो आप या छापून घ्या तो पर्यंत म्हणजे आता आपल्याकडे काय काय इन्फॉर्मेशन बघा। सबसे पहले अगर दो फिजिकल क्वांटिटी की हमें करनी है एडिशन उसके लिए डेटा अगर आपको इस फॉर्म में दिया है a⁻ ± Δ A एंड b = b⁻ ± Δ B तो इनका जो भी रिजल्टेंट होगा z = a + b उसको अपन इस फॉर्मेट में लिखेंगे किस फॉर्मेट में लिखेंगे a + b इंटू या फिर ±Δ A + Δ B कळलं का म्हणजे क्वांटिटीची डायरेक्ट ॲडिशन प्लस मायनस एररचे ॲडिशन हे कधी ॲडिशन आहे तो वही अगर हमें सबट्रॅक्शन करना है तो सांगा काय येईल फायनल a - b ± ओके ये सबट्रैक्शन में ये तर कालच बघितलं होतं ते इथं सगळ्यांना है कि नहीं देन अगर मल्टीप्लिकेशन है तो फिर से मेजर्ड वैल्यू वही है a = b = एंड अगर z = a × b ये फॉर्मेट में हमें रिजल्टेंट क्वांटिटी चाहिए तो
ए इंटू बी एज इट इज प्लस माइनस ब्रैकेट में डेल ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी इंटू ए इंटू ए बी विनाकर हो म्हणू नका हे असंच होतं का यात एक मी मिस्टेक ठेवली आहे शोधा बघा नोटबुकमध्ये बघा एकदा कंडिशन क्या आ गई थी डेल्टा झेड बाय झेड इक्वल्स टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी बरोबर तो डेल्टा झेड क्या बनता था डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी इंटू झेड एंड झेड का मतलब वही है ए बी सारखंच करेक्ट कळालं वही अगर डिविजन येतो मेजर्ड वैल्यू फिर से तो z इक्वल्स टू क्या बनेगा a बाय बी तो फाइनल आंसर किस फॉर्मेट में रहेगा ये a अपॉन b प्लस माइनस ब्रैकेट में क्या है ए बी का a बाय बी काय होतं डिव्हिजनमध्ये पण ए बाय बी अँड डेल्टा झेड बाय झेड इक्वल्स टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी बट झेड की व्हॅल्यू ए अपॉन बी ती तो डेल्टा झेड बन रहा था डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी इंटू झेड तो झेड येतो क्या होगा इंटू ए बाय बी कळलं एवढंच शिकलो आपण दोन दिवसामध्ये फक्त काल आणि आज क्लिअर आहे एवढंच चलो ऑल क्लिअर नेक्स्ट पुढचे घ्यायचे कंडिशन का उद्या घ्यायच्या अभी बहुत कंडिशन आहे पॉवर होगी तो क्या पॉवर विथ मल्टिप्लिकेशन होगा तो क्या रेजिस्टन्स पॅरलल में कनेक्टेड आहे तो क्या है ना जैसे मिरर इक्वेशन होता है लेन्स मेकर्स फॉर्मुला होता है वन बाय यू वन बाय वी वन बाय एफ उसमें अगर एरर आ रहा है तो उसके लिए कंडिशन क्या अच्छा भरपूर येणार आहेत पुढे ठीक आहे तो जितना हो गया उतना अच्छे से प्रिपेयर करो आईडी डेटा इस रिलेटेड सॉल्व एग्जांपल्स एंड अनसॉल्व एग्जांपल्स आपको जो प्रैक्टिस करने यू विल ओनली गेट इन मॉड्यूल्स मॉड्यूल्स को छोड़ के कहीं पे भी नहीं मिलेगा कौन सा ही रेफरेंस बुक या कुटे गया ठीक है सो मॉड्यूल में से इस रिलेटेड जितना पार्ट है साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस करना शुरू कर दो तो और क्लियर हो जाएगा क्लियर सो रिमेनिंग पार्ट विल कंटिन्यू एट सेम टाइम शार्प एट 7:15